हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि केमिस्ट्री आखिर में है क्या चीज़, इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और इसके साथ में मैंने आपको समझाया था जो है कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उसको हम लोगों ने जो है डिवाइड किया था मेटल्स नॉन मेटल्स में। ठीक है, टोटल मेटल्स जो थे वो 90 थे, नॉन मेटल 20 थे। ठीक है, जो रेस्ट रह गए थे अपने 8 एलिमेंट्स वो मेटलॉइड्स, यानी जिनके पास मेटल के साथ साथ क्या थी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी थी। और मैंने जैसा कि कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, अब जो है लेक्चर को जस्ट इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एलिमेंट को डिवाइड किया था कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड कैटेगराइज कर लिया था। ठीक है, एक था अपने पास कौन सा, एक था मेटल और दूसरा क्या था, नॉन मेटल। ओके है, अब उसके बाद मैंने समझाया आपको कि जो मेटल होते हैं वो टोटल अपने 90 होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं कितने होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं 20, और जो बच गए 8 वह क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स। ओके है, ये कितने थे, 118, और ये कितने हो जाते हैं अपने 8। ठीक है, तो 8 मेटलॉइड कौन कौन से थे मैंने बता रखा था, इसकी ट्रिक दे रखी थी आपको मैंने, मेटलॉइड्स जिनके पास क्या होता है बेटा, मेटल के साथ साथ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, वही क्या कहलाते हैं अपने, मेटलॉइड कहलाते हैं। ओके है, ठीक, तो बात करेंगे मेटलॉइड कौन कौन से थे ऐसे मैंने समझा था, आंटी एटी एस्टेटिन तेरी यानी टेलोरियम, आंटी तेरी सब यानी स्टिबनियम, यानी कि क्या है, एंटीमनी है, इसका लैटिन नेम होता है स्टिब नियम, इसीलिए इसको जो है SB से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके है, आंटी तेरी सब जी, जी ई यानी जर्मेनियम, PO यानी कि पोलोनियम, बास यानी BAS और SI यानी कि बोरॉन, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये टोटल 8 क्या है अपने पास, मेटल लॉइड्स होते हैं जिनके पास मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और मैंने आपको समझाया था कि इसके आगे बेटा और जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी अपन एक एक करके ऐड करेंगे, तो चलिए एक एक करके और देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए टोटल जो है एलिमेंट में मेटल्स जो हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है ये जो मेटलॉइड हैं और ये जो नॉन मेटल हैं, ठीक है, ये जो है बेटा हो सकता है कि ये हार्ड हो, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे मैंने मेटलॉइड समझा है, मेटलॉइड में कि जिसके पास मेटल नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हो उसे क्या, वो क्या है, मेटलॉइड है, और कोई तो नहीं। लेकिन आपने सिलिकॉन जरूर देखा होगा, बालू होता है वो, ठीक है, सैंड जिसे कहा जाता है, सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन पे अगर हम फोकस करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा इसके पास इसकी क्या होती है, खुद की चमक होती है, नहीं इट्स हैव ओन शाइन। ठीक है, इसके पास क्या होती है, अपनी खुद की चमक होती है, शाइन होता है। ठीक है, तो बेटा ये किसकी अपनी खुद की शाइन होना किसकी प्रॉपर्टी है, ऑफ कोर्स मेटल की, आती बात समझ में। ठीक है, लेकिन क्या ये गुड कंडक्टर होता है क्या हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल, यानी इसके पास मेटल भी प्रॉपर्टी है और कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक भी है, तो इसीलिए किस में रखा गया है, मेटलॉइड में। ठीक है, अब आपसे ये पूछता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कहता है कि बताइए कि टोटल प्योर टेबल में अपने पास लिक्विड कितने हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि लिक्विड कितने हैं, देखते हैं लिक्विड, बात करेंगे लिक्विड कितने होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में अपना आता है सबसे पहले आएगा UUB अनबायम, जो अब डिस्कवर्ड हो चुका, नाम इसका कॉपरनिशियम, CN नाम है कॉपरनिशियम, 112 है ये। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 112 है कॉपरनिशियम। ठीक है, उसके बाद आता है अपना गैलियम GA, उसके बाद आता है ब्रोमीन यानी कि BR, FR यानी फ्रांसियम, CS यानी कि सीजियम, और HG सुना होगा हाइड्रगायरम, ये बेटा मरकरी है, ये क्या है, मरकरी, इसको आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन याद रखेंगे हम ये जो लिक्विड्स की बात कर रहे हैं ये किस पर बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे है, याद रखना इस चीज़ को, किस पर है ये रूम टेम्परेचर पे है, ये रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड में रहे। बट ऐसे तो देखा जाए बेटा हम लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस में हम तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर के बेसिस पे हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अपना वाटर ही, ठीक है, वाटर को बोला जाए तो रूम टेम्परेचर कैसा होता है, लिक्विड में, तो इसलिए हम वाटर को क्या मान के चलते हैं कि यह एक लिक्विड है।
आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्या हम उसको वेपर में यानी कि गैस में या फिर हम उसको सॉलिड में यानी कि आइस में क्या चेंज नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसलिए ये किस पर है, याद रखेंगे कि ये लिक्विड जो मैंने आपको बताया ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो कॉपर निशियम है, गैलियम, ब्रोमीन, फ्रांसियम FR, सीजियम CS और ये मरकरी यानी कि HG, इसे कहते हैं हाइड्रगायरम। हाइड्रगायरम की वजह से ही मरकरी को HG से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, बढ़ा दें आगे इसको। तो कितने हो गए अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 बेटे, कितने होते हैं, 6 होते हैं, दे आर 6 इन नंबर, ठीक है। कोई पूछे लिक्विड्स कितने होते हैं, हम क्या कहेंगे, कहेंगे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 लिक्विड पाए जाते हैं। और कौन, और बात करेंगे सर आपको ये याद कैसे है, ठीक है बेटा, इसको ऐसे पढ़ा जाता है UV यानी कि UV, ये ध्यान से देखिए लिखा हुआ है गब्बर, GABR, सोले मूवी का कौन सा है, गब्बर है ये, ठीक है, GABR, ठीक है, गब्बर, यूं भी गब्बर, फिर यानी कि FR, कैसे यानी CS, ठीक है, हारेगा यानी कि HG यानी कि मरकरी, आगे बस समझ में, यूं भी गब्बर फिर कैसे हारेगा, हारेगा यानी कि HG यानी कि हाइड्रोगायरम। अगर आप भूल रहे हैं इसको, मरकरी से दिखना चाहते तो ऐसे पढ़ सकते हैं, यूं भी गब्बर फिर कैसे मरेगा यानी कि मरकरी, ठीक है, ओके है। चलिए अब हो गए लिक्विड्स, ठीक है, मैंने बोला सॉलिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके बारे में से लिक्विड देख लेते हैं, गैस देख लेते हैं। अब बात करें सर पूरे की पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने गैसेज हैं, चलिए देखते हैं। बात करेंगे सर गैसेस कितने हैं टोटल, ठीक है, तो गैसेस बेटा पीरियोडिक टेबल में जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो सबसे लास्ट का होता है 18, ठीक है, जो 18 एलिमेंट्स हैं जिन्हें नाम दिया गया है इनर्ट गैसेस, नाम ही उनका क्या है, इनर्ट गैसेस यानी कि अक्रिय गैसें ही कहा जाता है उनको, आती बात समझ में, ठीक है, उनका नाम ही है क्या, अक्रिय गैसें कहा जाता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं, कहा जाता है कि हे निशा, हीलियम, नियॉन, अर्डकर यानी आर्गन और क्रिप्टॉन, हे निशा, अर्डकर, जिंदा यानी कि एक्सी और रहना यानी कि आर्यन, ठीक है, हे निशा, अर्डकर, जिंदा, रहना, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन, ठीक है बेटा। ये 6 तो फिक्स हैं, ये जो 6 हैं ये कैसे हैं, ये 6 तो फिक्स हैं, आती बात समझ में बेटा, ये जो 6 लिखे गए हैं ये तो फिक्स हैं, ये हैं ही क्या, इनर्ट गैसेस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है इन्हें, ठीक है बेटा, ये 6 तो फिक्स हैं, ठीक है सर, क्या 6 ही होते, नहीं अभी और भी हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं, आगे बात समझ में सर। इसमें ओगेनेशन भी रखा गया है, OG 118, सर आपने उसको क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि बेटा देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है इसमें क्या है, ठीक है, कि इसमें एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, आती बात समझ में, जैसे बनाने का रीजन है कुछ, जैसे सपोज करते हैं जैसे हाइड्रोजन है ना, ऐसे पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट वाला है तो कहते हैं हेली नाने की रब से फरियाद, ऐसे पढ़ लेते हैं, फर्स्ट जो सबसे पहला आप देखेंगे ऐसे लिखा था, हे ली नाने की रब से फरियाद, या हमारे लिए नमकीन काजू रबड़ी सफरी, या ली ना का रबड़ किसने फाड़ा, ठीक है, ऐसे करके बहुत ढेर सारे होते हैं जो भी आप चाहें याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर सिंपल सी बात है बेटा, अगर जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के, मैंने बोला हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेटा लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम या फ्रांसियम हो, इनमें से कोई भी एलिमेंट रहेगा उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, आती बात समझे। मैंने बोला हाइड्रोजन के क्लोराइड का फार्मूला HCl होता है, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन के क्लोराइड का फार्मूला HCl है, बेटा लिथियम के क्लोराइड का फार्मूला LiCl होगा, सोडियम के क्लोराइड का फार्मूला जिसे सॉल्ट कहते हैं नमक NaCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl होगा, ठीक है, रुबिडियम क्लोराइड RBCl, इस तरह से होते हैं, ठीक है। मैंने बोला
वाटर के यानी कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मूला H2O होता है, तो लिथियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला भी Li2O होगा, सोडियम का भी Na2O होगा, तो इस तरह से होता है। तो एक की स्टडी करेंगे तो उसके बारे में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट यानी कि जैसा हीलियम का जो नेचर, वैसे हीलियम थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, उसके बाद नियॉन से लेकर के और जो है वो सब क्या करते हैं, सिमिलर नेचर शो करने लगते हैं, ये भी इनके साथ सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। इस वजह से जो है इनको रखा गया है एक साथ, आती बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया रीज़न, लेकिन जो ऑर्गेनेशन है उसको मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मोस्टली ये बोला जा रहा है कि ऑर्गेनेशन कैसा है, वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी नहीं, इसलिए अपन इसको भी ड्रॉप करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, ये सिक्स तो फिक्स हैं। अब आगे देखते हैं कि सर और कौन कौन से रह जाते हैं, तो ये होता है अपना बेटा गैस है तो आज है तो कल नहीं, बेटा गैस है नहीं अभी थोड़ी देर के हम छोड़ दें उड़ जाएगा, है कि नहीं, अभी थोड़ी देर में है फिर उसके बाद नहीं रह जाएगा, तो क्या होता है, फिर कल ना हो, फिर कल ना हो, है नहीं, फिर कल ना हो, NHO यानी कि कौन कौन से हो गए, फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये अपने और ऐड हो गए, कितने हो गए ये 6, और ये कितने हो गए प्लस 5, और 6 प्लस 5 कितने हो जाते हैं 11, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा जो है पूरे 118 एलिमेंट्स में से देयर इज 11 प्रेजेंट इन गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, यही 11 ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं गैसेज में एग्जिस्ट करते हैं, ओके है, ये समझ में आ गया। चलिए तो और जो बच जाते हैं प्रॉक्स सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक टर्म्स और यहाँ पे आता है, ये आता है एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक बात करेंगे सर, ये एम्फोटेरिक क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। एम्फोटेरिक उसे कहते हैं, ठीक है, जो एसिड के साथ साथ अपना क्या करे, बेसिक नेचर शो करे, जो क्या करे, जो एसिडिक नेचर का भी हो बेसिक नेचर का भी हो। जैसे बात करेंगे सर जो है एसिडिक नेचर बेसिक नेचर कैसे देखे जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने अर्लियर क्लास में डिस्कस भी किया हो इस बारे में, ठीक है। वैसे मैं बता दूं बेटा जो जो एच प्लस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है एसिड, और भी ढेर सारे डेफिनेशन होते हैं, अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि जो एच प्लस आयन दो क्या है एसिड हैं, और जो ओ एच माइनस आयन देते हैं वो क्या होते हैं बेस होते हैं। अब जैसे एच सी एल है, ठीक है, इसको बेटा अगर हम क्या करें कब देंगे, जब हम इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, क्या करें इनको डिजोल्व करने पर, अगर ये एच प्लस दे रहा है तो एसिड है, ओ एच माइनस दे रहा है तो क्या है बेस है। अभी एच सी एल है, इसको हम डिजोल्व कर देंगे टूट जाए, डिजोल्व क्या हो जाएगा टूटेगा, टूटेगा क्या करेगा ये एच प्लस प्लस सी एल माइनस में टूट जाएगा, तो जिसने एच प्लस आयन दिया तो क्या है वह एसिड है। अभी यहीं पे क्या हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, इसको हमने तोड़ दिया यहाँ से तोड़ा तो ये माइनस और ये प्लस, ये किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये भी हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कैसे पहचानते हैं कि किसी भी एटम पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये सब जो है धीरे धीरे बेटा धीरे धीरे करके सीखेंगे, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है केमिस्ट्री की, इसलिए मैंने सबसे पहले कोई चैप्टर ना लेकर के मैंने इंट्रोडक्शन लिया कि अपन धीरे धीरे करके सीखेंगे, ये चीज़ एक दिन में नहीं आती है, ठीक है, धीरे धीरे करके चलेंगे आ जाएगी ये, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा Na प्लस, प्लस क्या आया यहाँ पे OH माइनस आया, और OH माइनस आया नहीं क्या है एक बेस है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो चलिए, यानी कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एसिडिक के साथ साथ अपना बेसिक नेचर भी शो करते हैं, यानी एसिड प्लस बेस का जो नेचर शो करे, दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं, बेटा एम्फोटेरिक होते हैं जैसे कि एंटीमनी हो गया, Sb हो गया, ठीक है, एंटीमनी, As आर्सेनिक, ये टिन है, स्टेनस या स्टेनम, ठीक है, स्टेनम कहेंगे Sn, ठीक है, टिन है ये टिन, ठीक है, एंटीमनी Sb आर्सेनिक As, ठीक है, ये क्या है स्टेनम यानी कि Sn टिन है ये, सिलिकॉन लेड बोरॉन, लेड यानी Pb, ठीक है, लेड यानी कि Pb, यह प्लम्बम, ठीक है, उसके बाद कौन सा है बोरॉन,
एल्यूमिनियम, जिंक, एमएन, मैग्नीज, क्रोमियम, गैलियम, वेनेडियम। क्लियर है? कौन कौन से? सब ये हो गया एसबी, ठीक है, स्टिबनियम, आर्सेनिक, एसएन, एसएन यानी कि स्टैनम, ये टिन है, सिलिकॉन, ये प्लम्बम यानी लेड, फिर उसके बाद बोरॉन बी, एल्यूमिनियम एल, ठीक है, जेड एन जिंक, एम एन मैगनीज, याद रखेंगे मैगनीज और मैग्नीशियम अंतर होता है, ये मैगनीज है, एटॉमिक नंबर इसका 25 होगा, टेबल में देख सकते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम एम जी होता है, एटॉमिक नंबर उसका 12 होता है, ठीक है, सी आर यानी क्रोमियम, जी यानी गैलियम, बी फॉर वेनेडियम, ठीक है। तो ये आते हैं, टोटल काउंट करते हैं कितने आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ठीक है। ये बेटा जो 12 हैं अपने पास, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एक चीज़ में आपको अभी बेसिक चल रहा है, एक चीज़ में समझाता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें क्या होते हैं, कंडीशन पर एम्फोटेरिक नेचर शो करती हैं, ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे, वैसे ये सब एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे भी हैं जो कंडीशनल शो करते हैं, इस वजह से कुछ बुक्स ऐसे भी होती हैं जो इसको एम्फोटेरिक को 12 न मान करके कुछ और मानती हैं, ठीक है, वक्त आने पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करेंगे कि सर इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ना है, सब यानी कि एस बी यानी एंटीमनी, सब आसान, आसान एक साथ पढ़ेंगे, सब ये क्या हो गया, सब ई एस क्या हो गया, आसान, सब आसान यानी ए एस और एस एन, सब आसान, सी सी यानी कि सिलिकॉन, सब आसान सी ले यानी आसान वाली ले लेंगे, जो आसान आसान लगेगी वो हम याद कर लेंगे, ले लेंगे, सब आसान सी ले यानी कि लेड, ठीक है, बाकी अल्लाह जाने, ये क्या हो गया, बाकी अल्लाह, कहते ना अल्लाह भगवान पे छोड़ देंगे, तो बाकी अल्लाह यानी एल जाने यानी कि जिंक, बाकी अल्लाह जाने, ठीक है, जितनी आसान रहेगी हम ले लेंगे, बाकी हम जो है अपने भगवान पे, खुदा पे छोड़ देंगे, अल्लाह पे छोड़ देंगे, बाकी अल्लाह जाने, ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं याद हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ तो मन करे यानी कि मन यानी एम एन, करे यानी क्रोमियम, मंग करे तो गांव, जी ए वी यानी कि क्या हो गया, मन करे गांव, जा, जा स्टैंड फॉर नथिंग, ओके है, जा मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, देख लीजिए इसको, सब आसान सी ले, बाकी अल्लाह जाने, मन करे गांव जा, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, एम्फोटेरिक हो गए, टोटल कितने होते हैं, ये 12 होते हैं, जो एसिड के साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में इतना, ठीक है, नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन इसके आगे समझते हैं, जैसे कि मैंने कल समझाया था कि सर एलिमेंट, एटम, मेटल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इनके मेटल नॉन मेटल थोड़ा बहुत समझा दिया था, उसके बारे में समझ करके फिर हम इसको थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बेटा इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया, चलिए देखते हैं, बेटा जैसा कि अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलिमेंट और एटम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एलिमेंट है, एटम है, या कभी कभी कन्फ्यूज करते हैं मेटल है, तो ये है क्या चीज़, ठीक है। कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने आयरन, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए यह एक एलिमेंट है, यह एक एटम है, यह एक मेटल है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बस समझते जाना, ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं सर ये एलिमेंट है, बेटा बिल्कुल है, ऑल दैट्स आर प्रेजेंट इन प्योर टेबल और कॉल्ड एज एलिमेंट, जितने प्योर टेबल में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, यानी कि यह एक एलिमेंट तो है ही, तभी तो ये 118 के अंदर आ रहा है, आगे बस यह एक एलिमेंट है। लेकिन कहा जाता है कि एलिमेंट क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, कंडीशन क्या है कि यह प्योर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आयरन ही होना चाहिए, इसमें और कोई भी मिलावट, कोई भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे सर ये इसके भी आते हैं, अब बात करेंगे क्या यह एक मेटल है,
तो बिल्कुल है। अगर क्या है, ऐसे एलिमेंट जो क्या होते हैं, गुड कंडक्ट होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है, जिनके पास मैलिएबल डक्टाइल सोनोरस नेचर ये सब पाए जाते हो, तो क्या होते हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, मोस्टली मेटल होते हैं। तो ये सब पाया जाता है इसमें, आयरन में, लोहे में, ठीक है, यानी कि यह क्या है, एक मेटल भी है, यानी समझ में आ गया, यह एक क्या है, एलिमेंट है, ये भी अपना जस्टिफाई हो चुका है। आगे बात समझ में, यह एक क्या है, मेटल है, ये भी जस्टिफाई हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या यह एक एटम है, क्या यह एक एटम है, तो मैं समझाता हूँ आपको एटम समझने का कैसे समझते हैं। जैसे जैसे बेटा क्या है, जैसे ये पेन है, ठीक है, अब ये क्या है, ये सिल्वर है, ये चांदी है, ठीक है, अगर हम क्या करें, ठीक है, तो हमने लिखा सिल्वर, हमने लिख दिया Ag, जैसे Fe लिखा है वैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, Ag अर्जेंटम, यानी सिल्वर, ठीक है। अब ये सिल्वर है, कहें सर तो ये लिख दिया, तो क्या यह एक एलिमेंट है या एटम है, आसान है, ठीक है, मैं समझा, तो एटम क्या है, एटम क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, ये जो पेन है ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम क्या करें, किसी के मशीन के थ्रू या किसी के थ्रू हम क्या करें, इसको जो है पीसते जाना है, जैसे चौक ने आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको बार बार करके नहीं यूज करते हैं, ऐसे करके छूटता है ये, ठीक है, इसको पीसते जाओ, ठीक है। अब पीसते क्या करेंगे, वह सबसे छोटा पार्टिकल, ध्यान सुनेंगे, वो सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, वो सबसे छोटा वाला पार्टिकल जिसको अब हम डिवाइड तोड़ नहीं सकते बेटा, वही क्या है, एटम है। अगर हम उसको भी तोड़ देंगे, उसको भी डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा, वह वैसा नहीं रह जाएगा जैसा कि है, तो ये जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एटम। आगे बात समझ में, किसी भी चीज़ को हमने क्या किया, हम पीसते गए और फिर क्या हो, जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा वही क्या कहलाएगा, अपना एटम कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है, अब समझ में आ गया ना कि एटम क्या है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ डाल्टन ने बोला, लेकिन ये चीज़ आगे चल के गलत हो गया। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने ये बोला कि किसी भी, जैसे कोई भी जो है एटम जो होता है वह इनडिविजिबल होता है, यानी उसको डिवाइड नहीं किया सकता है, बल्कि ऐसा नहीं है, ठीक है, बाद में, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट्स इट विल बी प्रूव दैट एटम कैन बी डिविजिबल, ठीक है, एटम को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो एटम के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी जिनसे वो मिलकर के बने होते हैं, इन्हें हम जो है केमिस्ट्री के फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके, कोई भी एटम, एटम ऐसा नहीं कि डिविजिबल नहीं है, एटम क्या होता है बेटा, एटम भी डिवाइड हो जाता है, किसमें, एटम जो है डिवाइड होता है, इसके तीन पार्टिकल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक होता है अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन होता है, प्रोटॉन, और तीसरा कौन होता है, न्यूट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। और इन तीनों पार्टिकल्स को एटम जिनसे मिलकर बना होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल, क्या कहते हैं इसे, फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, एटम, टोटल तीन जो है फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, दे आर दी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, अब अपने को ये थोड़ा सा आगे चलेंगे और ये समझेंगे कि सर किसी भी एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आखिर में होते कैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर में पोजीशन कहाँ पर है, इन तीनों के तीनों किसी भी, ये तीनों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, यह किसी भी एटम के अंदर आखिर में होते कहाँ पर हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या है, एक छोटा सा मैं जो है यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, एटम, ठीक है। तो जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसी भी एक एटम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ ऐसे बना होता है, बीच में एक सर्किल होता है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके इस टाइप से ऐसे सर्किल में ये बने होते हैं, ठीक है।
तो ये जो सबसे बीच वाला जो बेटा पार्ट होता है सबसे बीच में, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ध्यान से देखेंगे, जो सबसे सेंटर में होता है उसमें क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, आगे बात समझ में, ठीक है, और इसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियस, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, नाभिक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये क्या है न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है, और इसके जस्ट बाहर आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे मैंने सर्कल बना रखा है बेटा, इसे कहते हैं शेल, ये भी शेल है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी शेल है, और ये जो तीसरा बना ये भी शेल है, इनकी जो मैक्सिमम नंबर बेटा वो 7 हो सकते हैं, अभी कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ये अभी तक 7 हो सकते हैं, और इसका नाम भी अभी बताते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें शेल कहते हैं हिंदी में, कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं कोश, क्या कहते हैं इसे, कोश, तो जो सबसे पहला वाला शेल होता है ये, दूसरा ये तीसरा, पहले वाले शेल को नाम दिया गया है के, दूसरे वाले नाम दिया गया है एल, तीसरे वाले को एम, ऐसे करके 7 तक ले जाएंगे, तो सेल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, के से लेकर के क्वीन तक, यानी कि किंग से लेकर के क्वीन तक होते हैं ये, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो ये शेल होते हैं इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेल के अंदर होते हैं और यहाँ पर ऐसे घूमने लगते हैं जिससे ये सर्किल बनता है, ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर नहीं रहता, ये इसकी पोजीशन कहीं और होती है, ठीक है, लेकिन बेटा इसकी जो पोजीशन है वो किसी भी एटम के अंदर आके में इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे होते हैं इस बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बस आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, थैंक यू बेटा।